Redmi Note 11 Pro जो कि इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और जैसे कि आपको पता ही रहेगा Realme 9 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुके हैं, और ऐसे में आपने देखा रहेगा फोन तो ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आएंगे, लेकिन प्राइसिंग यार काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो ऐसे में क्या आपको Realme 9 सीरीज लेना चाहिए या फिर जो हमारा Redmi Note 11 Pro है उसके लिए वेट करना चाहिए, तो आज की वीडियो में काफ़ी कुछ यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देने वाला हूँ। और ऐसे में कुछ जो कि न्यू लीक्स लगे हैं Redmi Note 11 Pro के इंडिया लॉन्च के बारे में वो भी मैं आपको बताऊंगा, एंड साथ ही साथ प्राइसिंग क्या रहेगी वो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा पार्ट होने वाले जो कि वीडियो के आगे में आपको पता चली जाएगा। तो चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, एंड साथ ही लगा बेल आइकन उसे प्रेस कर लो। अब जो कि इंडिया में Redmi Note 11 Pro सीरीज आने वाली है वो दो वेरियंट में आने वाली है, एक तो रहेगा 4G वाला वेरियंट और एक तो रहेगा 5G वाला वेरियंट। तो प्राइसिंग में भी थोड़ा बहुत डिफरेंट रहेगा एंड चिपसेट में भी थोड़ा बहुत आपको डिफरेंट मिलेगा, तो चलिए उसके बारे में भी जान कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इनके यहाँ पर से डिजाइन के बारे में। तो डिजाइन ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको दोनों ही डिवाइस 4G और 5G में सेम ही मिलने वाले, कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। बॉक्स टाइप डिजाइन मिलता है, बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप वगैरह जो कि आपको लग रहा होगा आप मतलब पेंटा कैमरा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ट्रिपल कैमरा ही होने वाला है। एंड फ्रंट में आपको मस्त सा ऐसा सेंटर पंच होल कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो लुकिंग वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिलती है, जैसे कि हमने प्रीमियम फोन ऐसे हाथ में होल्ड किया वैसे आपको डिजाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी डिस्प्ले की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में सेम ही डिस्प्ले मिलने वाले, 6.67 इंचज की फुल HD प्लस की सुपर एमोलेड 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आने वाले डिस्प्ले मिलेगी, जो कि नो डाउट काफ़ी अच्छे कलर्स यहाँ पर प्रोड्यूस करके देने वाली है। एंड साथ ही साथ इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर यहाँ पर आपको नहीं मिलता है, साइड माउंटेन दोनों ही फोन में आपको यहाँ पर से दिया गया है। बाकी परफॉर्मेंस वाइज की बात करते हैं तो दोनों ही फोन में आपको अलग अलग चिपसेट देखने को मिलता है। जो 4G वाला वेरिएंट है Redmi Note 11 Pro का, वहाँ पर आपको MediaTek Dimensity का G95 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ऊपर बेस प्रोसेसर है। हालांकि इसके अगर मतलब स्कोर्स की बात करें या फिर डेली डेली लाइफ की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो काफ़ी अच्छी तरह से ये जो कि संभाल लेता है, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाला है। वही अगर हम 5G वाले वेरियंट की बात करें तो यहाँ पर आपको Qualcomm Snapdragon 695 का एक 5G प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी ऊपर बेस है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत बैटरी इफिशियंसी एंड जो कि स्पीड है काफ़ी अच्छी मिलेगी अगर हम बात करते हैं 4G वाले वेरिएंट से। लेकिन हाँ, नो डाउट दोनों में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं रहेगा, सेम ही आपको परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बाकी कैमरास की बात करते हैं तो कैमरा काफ़ी ज़्यादा ऑल टुगेदर काफ़ी अच्छे मिलने वाले हैं, और 4G और 5G में थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको डिफरेंस मिलेगा। लेकिन वो बताने से पहले वीडियो अच्छी लग रही है लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, नीचे इंस्टाग्राम की ID यहाँ पर आपको शो हो रही होगी। अब बात करते हैं यहाँ पर 4G वाले वेरिएंट की, तो 4G में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, यहाँ पर आपको 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। वही अगर 5G वाले वेरिएंट की बात करते हो तो सारे सेम सेंसर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक कैमरा नहीं मिलता है जो कि 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। अब पता नहीं Xiaomi को क्या समझा यहाँ पर से, मतलब कि Redmi को एक में 4G में डेप्थ सेंसर दे दिया, एक में नहीं दिया, पता नहीं। मुझे लगता है कुछ जो कि सॉफ्टवेयर का इशू, मतलब कि स्नैपड्रैगन कुछ मतलब डेप्थ सेंसर में अच्छा खासा यहाँ पर से सॉफ्टवेयर की मदद से कर देता होगा, इसी वजह से नहीं दिया गया। हालांकि G95 की बात करें तो उसे सॉफ्टवेयर में इतना कुछ अच्छा नहीं दे पा रहा होगा, इस वजह से ऐड किया होगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया, बाकी और भी कुछ रीजन हो सकते हैं। बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दोनों डिवाइस में 4500mAh की बैटरी, वही यहाँ पर आपको 67W का फास्ट चार्जर इन द बॉक्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और फोन भी 67W का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करता है। बाकी दोनों ही डुअल स्टूडियो मिलते हैं, MIUI 13 का अपडेट मिला, IR ब्लास्टर मिलेगा। वही अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करते हैं, लॉन्च डेट पर डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन प्राइसिंग की बात करते हैं जो 4G वाला वेरियंट है वो आपको 18,000 रुपये के आसपास देखने को मिल सकता है, और जो 5G वेरियंट है वो आपको 20,000 रुपये के आसपास यहाँ पर आपको मिल सकता है। बाकी अगर लॉन्च डेट की बात करते हैं तो ये जो कि ऐसे मतलब लीक्स निकल के आ रहे हैं कि ये फोन आपको लगभग 28 फेब के आसपास इंडिया में ये जो कि लॉन्च हो सकता है। बाकी मेरे हिसाब से अगर आप देखते हो या फिर अगर हम लीक्स की मानते हो तो ये जो कि फेब एंड तक है ना इंडिया में डेफिनेटली लॉन्च हो जाएगा, या फिर ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आपको फेब के एंड में देखने के लिए मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा ही वेट करना है आपको, ऑलमोस्ट यहाँ पर से 20 तारीख तो हो ही चुके हैं, तो बस आपको 10 एक दिन का वेट करना है। एंड अगर हम बात करते हैं कि आपको Realme 9 सीरीज लेनी चाहिए, तो देखिए अगर आपको नीड है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, लेकिन Redmi Note 11 Pro के लिए वेट करना काफ़ी ज़्यादा बनता है, क्योंकि इनकी प्राइसिंग यार काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिवली रहती है, तो आपको कुछ जो कि पैसे यहाँ पर सेव हो सकते हैं। तो बाकी आपको क्या लगता है इस जो फोन के बारे में कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली बताना, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, एंड चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशन भरे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड।